फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पतले पोहे का चिवड़ा। इसे हम दिवाली में भी बना सकते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं पतले पोहे का चिवड़ा। पतले पोहे का चिवड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे पतला पोहा 250 ग्राम मूंगफली एक छोटा बाउल, चिवड़ा दाल एक छोटा बाउल, 3 हरी मिर्ची बारीक काट के ली है, सूखा नारियल एक छोटा बाउल बारीक काट के लिया है, 10 कली काजू। चिवड़े को तड़का देने के लिए हमने 2 टेबलस्पून तेल, राई 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पीसी हुई शक्कर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और साथ में कड़ी पत्ता लिया है। सबसे पहले हम पतले पोहे को सेक लेंगे। सेके हुए पोहे हम एक थाली में निकालेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये सारी चीजों को हम एक के बाद एक फ्राई करके लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल गरम करने रखा था। गरम तेल में हम मूंगफली डालेंगे। इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पे सेकेंगे। इसे ज्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर ही देना है। मूंगफली हमारी फ्राई करके तैयार है। बाकी सारी चीजों को हम इस तरह फ्राई करके लेंगे। हमारी सारी चीजें फ्राई करके तैयार है। अब हम चिवड़ा बनाने लेंगे। चिवड़ा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करके लिया है। उसमें हम राई डालेंगे और जीरा डालेंगे और ये पोहे डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब उसमें हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, फ्राई की हुई सारी चीजें हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें इसमें पीसी हुई शक्कर आखिर में डालनी है ताकि वो शक्कर चिपक न जाए। ऊपर से पीसी हुई शक्कर डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद करेंगे। चिवड़ा हमारा तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। पतले पोहे का चिवड़ा खाने के लिए तैयार है। इसे हम दिवाली में भी बना सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।